खाना भी खाओगी ना? नहीं अभी नहीं खाया, मेरा पेट तो भर गया। पिज्जा से रोके रख दो ना एक पिज्जा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज है मेरा एनिवर्सरी, आज है मेरे शादी का सालगिरह। मेरे शादी के पूरे 14 साल आज कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी ज़रूर लिखें और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, आज बच्चों का छुट्टी नहीं था, स्कूल था तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो बच्चे सो गए हैं। तो फिर हम चलते हैं थोड़ा बाहर घूम के आते हैं और केक वगैरह लेके आते हैं। तो घर पे बट अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। तो प्लीज़ ब्लॉग में जुड़े रहे और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, और ब्लॉग को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, और लास्ट में बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हे फैमिली, मॉर्निंग मैंने एक छोटा सा क्लिप शूट किया था जो मैं ब्लॉग के साथ ऐड कर रही हूँ। और आज का ये दिल्ली का मौसम है, 6 मई का दिल्ली का ये मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की फल्की बारिश भी हुई थी, वही 2:30-3 बजे करीब फिर बारिश रुक गया था और मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। और मैंने ब्लॉग आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 4:00 बजे से, क्योंकि सुबह का छोटी सी क्लिप थी तो मैंने सोचा कि ऐड कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आप दिल्ली से होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये कौन सा जगह है। अगर आपको पता है, अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं कि हम कहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। फिर भी अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं ब्लॉग के लास्ट में जरूर बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे घूमने के लिए। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम खाते हैं आइसक्रीम। यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी है, ऐसे लग रहा है कि आइसक्रीम वाले भैया फ्री में दे रहे हैं सबको, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है। और धूप भी नहीं, आज मौसम बहुत ही अच्छा है। तो पहले यहाँ पर हम सबसे पहले हमने लिया आइसक्रीम इतनी लंबी भीड़ में, हस्बैंड जी ने फिर खड़े होकर आइसक्रीम लिया क्योंकि 10-15 लोगों के पीछे ये खड़े थे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खाया आइसक्रीम, और जैसे हम आ रहे थे रास्ते में हमने देखा थे हनुमान जी की ये बहुत ही बड़ी मंदिर थी। हमने सोचा कि आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा हाथ पैर धो के और पानी वगैरह छिड़क के थोड़ा भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आज है हमारा शादी का सालगिरह तो भगवान जी के आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी था। तो गाइस हमने आइसक्रीम खाने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नल वगैरह लगा हुआ था तो फिर हमने हाथ पैर धोया और अपने ऊपर पानी छिड़का, और फिर अब चलते हैं मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये हनुमान जी की बहुत पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और आज के दिन तो भगवान जी आशीर्वाद लेना जरूरी भी था। तो गाइस हस्बैंड जी गए हैं अभी प्रसाद लाने के लिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्लॉग शूट और चलते हैं फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि मंदिर के अंदर कैमरा जाना अलाउड नहीं है, बाहर ही लिखा हुआ था कि अंदर जाना कैमरा अलाउड नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत शूट वगैरह होगा तो मैं बाहर की आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि अंदर कैमरा नहीं जा सकता है, बाहर ही लिखा हुआ था और काफ़ी सारे लोग भी खड़े थे, बोले कि अंदर कैमरा नहीं जाएगा। तो गाइस चलिए पहले हम दर्शन करते हैं, दर्शन करके आपको बताते हैं कि हनुमान जी का दर्शन हमें कैसा हुआ। तो यहाँ हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे भगवान हैं लेकिन हनुमान जी मेन भगवान हैं, जिनकी प्राचीन मंदिर है ये। दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, एक है काकू कचौड़ी वाले, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर हम खाते हैं कचौड़ी। चम्मच गाइस हम घूम घूम के थक चुके हैं, तब चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी है बहुत जोड़ों के भूख। तो चलिए पहले खाते हैं फिर खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और फैमिली इसके अंदर का डेकोरेट इतना अच्छा था कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ आपको। कोई सरदार जी का ये था, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा डेकोरेट किए थे, बिल्कुल जो कांच की चूड़ियाँ होती है चूड़ियों से पूरे छत के डेकोरेट किए थे, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए।
और गाइस इस स्पेशल मोमेंट पे हमने किया ढेर सारा रील शूट जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और गाइस खाना वाना खाने के बाद फिर शाम के बज चुके थे 7 और हम लोग निकल चुके हैं हम घर के लिए, क्योंकि वापस आके हमें घर में केक कट भी करना था, बाकी लोग भी आने वाले थे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, अब घर हम आते हैं। हे गाइस तब टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, हम लोग घर आ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम केक काटने के लिए। तो पहले मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए और चेंज करने के बाद फिर केक काटेंगे। शिवानी आ चुकी है और दीदी आने वाली है, अभी दीदी का हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी नंदा जाएगी तो फिर हम लोग मिल के केक काटेंगे। और आपको अभी जो मैंने ब्लॉग में दिखाया था तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना। तो चलिए अब केक काटते हैं और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो ब्लॉग में जुड़े रहें, अभी भी स्किप ना करें, ब्लॉग को पूरा देखें। आपकी मर्जी, आप यहाँ भी करा सकते हो, वहाँ भी करा सकते हो, दोनों जगह हो गए। उसको खुद नहीं पता वो कहाँ जा रही है, लेकिन जा रही है। अरे यार माचिस जला तो फेंका, नहीं उधर चला गया, इधर नहीं लगा। चलो फिर के ना। हाँ चलो ठीक है, वो बिस्कुट का चीज है पिछला बार का, वो तो केक है। अरे उधर खाने का है, उस प्लास्टिक है, इसी प्लास्टिक के लिखा है वाला। चलो फोन का मारो, वो फोन का है इधर। ये नहीं ऐसे करके कुछ पहन के इसे ले लो। डेकोरेट कर रहा है कब से, पीछे थोड़ा सा बैठ के अब क्यों आना है, अब ठीक लग रहा है। क्या ये तो देखिए वीडियो वीडियो बना रहा है, क्या बना रहा है? जाओ जाओ एंट्री करो, एंट्री करो, में से फोटो स्क्रीनशॉट में निकाल लो, ज्यादा अच्छा लाइक आ रहा है। ये भी नहीं बोला है, मुंह खोलो पूरा, ठीक अच्छा है। नानी का चश्मा अलग है, सिर्फ चिंटू, बाकी बच्चे नहीं है। नहीं नहीं चिंटू नहीं, मम्मी पापा है। अच्छा मेड बाय चिंटू, बन रहा है ना, बन रहा है। तुमको क्यों बनाना है, ये नहीं बना, ये क्यों नहीं बना रहे? कालू इधर बैठा, जाओ कालू, एक मिनट मैंने खा, बिल्कुल बैठ रहा इधर। कालू घाट सामने से आ रहा है वीडियो में, हां तो काम की वीडियो है। हेलो ये करो, और 30 सेकंड चला, तो नहीं देखो यहां यहां पे सुभान दीदी को दो नहीं करने दे रहा हूं, ये फोटो भी लेना पकड़ा तो मैं आपको छोटा बच्चा नहीं एक बार हां मेरे को लगा बिल्कुल नहीं दिखता होगा, कितना दिखा नानी बहुत। अरे नानी पिछले वाले का सीन नहीं है जो पंप के डाल के अरे खींच साफ कर दिए। आइए रोकी आपकी बारी, आइए इधर कैमरामैन का लास्ट हो गया, इधर को पूरा पूरा है आपका, ज़्यादा पास से ले लिया। केक ही गायब हो गए यार। खाने चला गया ये खाना, कालू
लो भाई सब खाओ फिर मैं जगह तो दो फिर ये तुम्हारा ये तुम्हारा हमारे यहाँ भी था खत्म हो गया है मैंने फेंका नहीं सब स्पोर्ट्स चैनल पे आता है अभी चम्मच रखा हुआ है गिलास रखा हुआ है कॉफी कहाँ कॉफी के गिलास गिली मुझरा कॉफी चियो पड़ी होगी हम प्रूफ दिखाएंगे नहीं खाई थी जी अपने बड़े बाल को हटा लो तुम्हारा बाल आ गया दही में रोटी हूँ आगे रोकी रख दो पुआ के दो पानी ये लो शिवानी को खिला लो ना उसी में खा ले चिंटू अभी खाएगी चिंटू क्या खा रही हो दिखाना जरा खाना भी खाओगी पिज्जा खा के खाना खाओगी ले खाना भी खाओगी ना नहीं अभी नहीं खाया मेरा पेट तो भर गया पिज्जा से रोके दो ना एक पिज्जा देख सकते हैं आप दो बच्चे यहाँ खा रहे हैं वहाँ भीड़ ज्यादा है हाँ वहाँ भीड़ ज्यादा जगह कमी है है ना दी और लाते हैं रोटी ही फैमिली तो आज के ब्लॉग में हमने किया खूब सारा इंजॉय फैमिली के साथ हमने किया एनिवर्सरी सेलिब्रेट और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं सभी ने दिया खूब सारा आशीर्वाद खूब सारा प्यार मिला मुझे और आप लोगों भी मुझे ढेर सारा प्यार दिया इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब करें बाय बाय